अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है टेबल रनर। जो हमारी बची हुई कतरनी थी हमने आज उसका ही यूज़ किया है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ये प्लेन टुकड़े बचे हुए थे, इसी को हमें यूज़ करना है। देखिए हमने इसको कट कर लिया है। देखिए हमने इन्हें 5-6 रंग की कट कर ली है। इसकी लंबाई हमने जो ली है 9 इंच लंबाई है इसकी, और चौड़ाई ली हमने 2.5 इंच। देखिए इस तरह से रखेंगे हम 2 पट्टी और यहाँ से पूरी सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लग के हम सीधा कर लेंगे। फिर दूसरी पट्टी हमें देखिए यहाँ से रखनी है और ये यहाँ तक सिलाई करनी है। इस तरह से ये इसको पलट देंगे। देखिए अब यहाँ से कोने से रखेंगे और जितनी हमारी पट्टी की लंबाई है वहाँ तक ही बस सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक सिलाई कर देंगे। फिर देखिए इसको इस तरह से पलट देंगे। देखिए इसी तरह से हम रखते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को सिलना है। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये 2 पट्टी सीधी सीधी सीनी है। देखिए अब यहाँ से रखेंगे और बस यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब इस कोने से रखेंगे और जितनी हमारी पट्टी की लंबाई है इसको हमें यहाँ से यहाँ तक सीना है। देखिए हमने पूरी सिलाई लगा ली इस पर। देखिए इसको हाथ से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। देखिए अब देखिए यहाँ से हम रखेंगे पट्टी और इसको यहाँ से भी पूरी सी लेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी रखते जाएंगे और हम सिलाई करते जाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को जोड़ लेना है। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आपको जितना लंबा रखना हो आप अपने हिसाब से पट्टियों को ज़्यादा कट कर लीजिए और इसकी लंबाई बढ़ा लीजिए। और देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। आप इसको जोड़ते जाएंगे और इसमें एक डिज़ाइन बनता जाएगा। हमने अपनी सारी पट्टियों को जोड़ लिया है और देखिए डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए हमें इसको कट करना है। देखिए जो कोने निकल रहे हैं यहाँ से हम बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच लेंगे और फिर इसको यहाँ से हम कट करना है हमें। देखिए इधर भी हमने ड्रॉ कर ली लाइन और इस साइड भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड अपनी सीधी सीधी लाइन खींच ली है और हमें जो हमने लाइन खींची है यहीं से हमें इस कपड़े को कट करना है। देखिए अब हमारे दोनों साइड से एक सा हो गया है। अब हमें यहाँ पर भी सीधी लाइन खींचकर यहाँ से भी हमें कट कर लेना है। इस साइड से भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये साफ़ सुथरा सा डिज़ाइन निकल कर आ गया है
और इसकी लंबाई है हमारी 26.5 इंच और इसकी चौड़ाई है हमारी 10.5 इंच। अगर आपको ये बड़ा डिज़ाइन करना हो तो आप, हमने 9 इंच की पट्टी ली थी, तो आप इसकी 10 भी 11 भी ले सकते हैं, और छोटा डिज़ाइन बनाना है तो आप इसके कम भी ले सकते हैं। देखिए हमने दोनों साइड पट्टी रख दी है, 1.5-1.5 इंच की रखी है और फिर हमने यहाँ पर 4 इंच की पट्टी कट करी है। देखिए इस तरह से हमें चारों साइड इसके लगाना है। तो चलिए इसको भी हम सी लेते हैं। देखिए हमने दोनों साइड पट्टियाँ लगा ली हैं, अब हमें ऊपर की साइड भी लगानी है। तो चलिए इस पे भी हम पट्टी लगा लेते हैं। देखिए हमने चारों साइड पतली वाली पट्टी लगा ली, अब हमें ये चौड़ी वाली पट्टी लगानी है, तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। देखिए हमने चौड़ी वाली पट्टी दोनों साइड लगा ली, अब हमारी ऊपर की साइड और नीचे की साइड बची है, इस पे भी लगा लेते हैं। और इस तरह से आप पट्टियों को जोड़कर बेडशीट भी बना सकते हैं, पिलो कवर भी बना सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। देखिए हमारी पुरानी बेडशीट थी उसको हमने कट कर लिया है। देखिए इधर हम उल्टी साइड से इसको रखेंगे और देखिए हमने यहाँ पर बहुत पतली वाली फॉर्म ली है, इसको रख लेंगे। कि अब हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसके ऊपर रखकर हम अच्छे से इसको हाथ से चारों तरफ से ठीक करके उस पर सब तरफ पिन लगा लेंगे। और देखिए जो हमारी जो बीच की पट्टी है पतली वाली, इसके दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है, तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने एक साइड सिलाई लगा ली पूरे पे, अब दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने बीच वाली पट्टी पे दोनों साइड सिलाई लगा ली है, अब ये हमारी चौड़ी वाली पट्टी है, इसके किनारों पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने उसको कट कर दिया है। देखिए अब हमें इसके चारों साइड बाहर की साइड पाइपिंग लगानी है, तो चलिए इस पे हम चारों साइड पाइपिंग लगा लेते हैं। ये हमें पाइपिंग को उल्टी साइड से सिलना है पहले। देखिए हमने पूरे पे पाइपिंग लगा ली है, अब इसको हम सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है हमें इसको। देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा हम कपड़े के ऊपर रखकर इस तरह से हमें पूरी पाइपिंग बना लेनी है। तो चलिए इस पे भी हम सिलाई कर लेते हैं। कि हमने चारों साइड पाइपिंग को लगा लिया है और हमारा टेबल रनर बनकर बिल्कुल तैयार है।
इसको बनाना भी बहुत आसान है। आपके पास किसी भी तरह का कपड़ा बचा हुआ पड़ा हो, प्रिंटेड कपड़ा हो या प्लेन हो, आप इसको आराम से इस तरह से जोड़कर बना सकते हैं। तो चलिए आपको हम इसे टेबल पर बिछाकर दिखाते हैं। ये हमने इसको टेबल पर बिछा दिया है और ये टेबल पर बिछकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।